चैनल पर। आज मैं आपको ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे की जाती है वो मैं आपको बताऊंगी, और जो ब्लाउज की कटिंग है वो मैंने अपनी पहली वीडियो में डाल दी है पार्ट वन में। और ये हमारी बिना बाजू का ब्लाउज है, तो ये हमें किस तरह करना है तो वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर चारों तरफ अपने ये हमारे आगे के पीस हैं, इन पर कच्चा करना है अपने चारों तरफ, और ये हमारा पीछे का पीस है और इस पर भी हमें अपने सबसे पहले चारों ओर कच्चा करना है। तो वो किस तरह करना है मैं बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना जो ये हमारा पीस है इसको हम, ये हमारे आगे की पीस है और ये हम इस तरह, ये ऊपर हमारा साड़ी का कपड़ा है और नीचे हमारी लाइनिंग है, तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पर चारों तरफ अपने कच्चा कर लेते हैं। ये हमने अपना एक पीस अपना आगे का सारा हमने ये हमने चारों तरफ पीस के कच्चा कर लिया है, और इसी तरह से हमने अपना दूसरा आगे का पीस करना है और पीछे का पीस भी इसी तरह हमें कच्चा करना है। तो ये हमारा आगे का दूसरा पीस है, तो इसको भी हम इसी तरह से कच्चा कर लेते हैं चारों तरफ। तो फ्रेंड्स, हमने ये अब अपने जो आगे के पीस हैं इन पर भी ये देखिए हमने चारों तरफ इस तरह से कच्चा कर लिया है। ये देखिए दोनों ही पीस ये हमारे आगे के हैं और ये हमारा पीछे का पीस है, इस पर भी हमने चारों तरफ कच्चा कर लिया है। अब हम सबसे पहले इसमें जो हमारे प्लेट्स हैं इनकी हम सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारी ये सामने की फ्रंट की जो प्लेट्स है इसको हम करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसमें ऊपर से बिल्कुल बारीक लेते हुए इस तरह से हमें यहाँ पर आधे लाइन तक हमें थोड़ा बारीक करते हुए थोड़ा मोटा लाना है बीच में, और फिर हमें सीधी लाइन इसकी खींचनी है। तो पहले हमें इसको बिल्कुल बारीक करके चलना है और फिर हमें आधे तक आने पर थोड़े मोटे लेने हैं इस तरह से, और उसके बाद जो हमारी ये साइड की प्लेट है इसे हमें ऊपर तक एक पैर की लेनी है, ये यहाँ पर हमें बारीक करनी है और आधे तक बारीक करते हुए चलना है, और फिर यहाँ पर हमें थोड़ी एक पैर की लेनी है। तो ऊपर से हमें बिल्कुल बारीक लेके चलना है और धीरे धीरे हमें इसको थोड़ा मोटा करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसको प्लेट को डालना है, और जो हमारे बीच की ये सामने की प्लेट है इसको हमें इस तरह डालना है, जो हमारी साइड की मुढ़े की प्लेट है इसको भी हमें एक पैर की लेना है और यहाँ से हमें बारीक करना है और आधे तक बारीक लाते हुए एक पैर की पूरी कर देना है। तो ये प्लेट हमें इस तरह से डालनी है कंधे वाली, और जो ये हमारी नीचे गले के साइड में प्लेट है इसको भी हमें इसी तरह से ऊपर से लाते हुए बारीक लाते हुए आधे तक, उसके बाद हमें एक पैर की लाकर पूरी करनी है। तो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से हमें अपनी सभी प्लेट्स डालनी है। तो ये हमें हमारी जो पीछे के जो पीस है उसमें हमारी दो प्लेट्स हैं सामने की, तो ये देखिए इनको भी हमें इस तरह जैसे हमने आगे के पीस में प्लेट गिरी है उस तरह करना है, और इसकी भी हम प्लेट अपनी पूरी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने अपनी सभी अपनी प्लेट्स डाल चुके हैं, तो ये हमारी पीछे की साइड है और ये हमारी आगे की साइड है, तो ये इस तरह से हमारी प्लेट्स दिखेंगी आगे की तरफ। ये देखिए, ये देखिए, और ये हमारा पीछे का पीस है, ये हमने तो डाली हुई है प्लेट पीछे कमर पर, ये इस तरह से दिखेंगी। तो अब सबसे पहले हमें अपने दोनों जो आगे के पीस हैं इन पर हमें जो हुक पट्टी होती है वो लगानी है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें अपना जो ये गला है हमने निशान लगा कर काटा हुआ है, कटिंग करनी है, तो इसको हम सबसे पहले कटिंग कर देते हैं इसकी। तो दोनों पीस हमें अपने आगे के रखते हुए इनको इस तरह से कटिंग करना है, और उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर अपनी जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है उसकी पट्टी चाहिए, और इसके लिए हमें एक साड़ी की पट्टी चाहिए।
तो फ्रेंड्स ये हमने लाइनिंग का कपड़ा लिया हुआ है, तो ये हमें इसके ऊपर इस तरह लगाकर और अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करना है। और ये हमारा साड़ी का कपड़ा है, तो इसको हमें इस तरह से लेकर हमें सीधी टाइप तरह फोल्ड करना है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो ये जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है इसको हम इस तरह से ऊपर रखना है और एक पैर की सिलाई हमें इसके ऊपर लेकर चलनी है। और उसके बाद इसको हमें इस तरह से पलटना है, ये हमें सीधी साइड इस तरह से लगाकर अंदर उल्टी साइड करना है। तो इस तरह सबसे पहले हम इसके ऊपर एक इस तरह दबी सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद हमें उल्टी साइड इस तरह करके इसको इतना थोड़ा फोल्ड करना है और इस पट्टी को इस तरह से हमें मोड़ देना है। और इसके ऊपर हमें कच्ची सिलाई करनी है क्योंकि इसके ऊपर हम तुरपाई करते हैं, तो इसको हमें एक इंच तक इस तरह रखना होगा। और यहाँ पर हमारे इस पट्टी के ऊपर हुक लगेंगे। तो ये हमारी पट्टी इस पर लगकर तैयार हुई। तो जितनी हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम कटिंग कर देंगे। और उसके बाद हमें अपने इस साइड की पट्टी को जो हमें साड़ी का कपड़ा लगाना है वो लगाएंगे। तो इसे हमें इस तरह से रखते हुए सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स ये हमने उल्टी साइड रखी थी और इसको हमें अपनी इस तरह से सीधी साइड रखते हुए इस तरह हमें इसको बढ़वा पट्टी लगानी है। इस तरह आगे की तरफ करना है को जो ये हमने सिलाई दी है इसके ऊपर आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हमने जो ये हमारी सिलाई है इसको हमने इस सिलाई के ऊपर रखना है। और ये हमारी बढ़वा पट्टी है, इसके ऊपर हमारी उस पर हमारी हुक बनेंगे और इसके ऊपर हमारी आई बनेंगी। यहाँ पर ये हमें यहाँ पर सिलाई किनारे पर लगानी है। जो इसमें भी हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम कटिंग कर देंगे। और अब सबसे पहले जो हमारे ये कंधे हैं उनको हम पीछे के पीस के साथ जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा पीछे का पीस है और सबसे पहले इसके गले की हम कटाई कर लेंगे इस तरह से। और उसके बाद जो हमारे ये कंधे हैं इनको हम इस तरह से रखकर जोड़ लेंगे। जो ये हमारे ये दोनों साइड हमारी सीधी है अंदर की तरफ होंगी। और इस तरह से ये इसका आगे का गला है और ये पीछे गला है। तो ये हमें इस तरह से अपने पीस रखने हैं और इस तरह से यहाँ ऊपर हमें सिलाई लगानी है। हम अपने दूसरे कंधे पर भी सिलाई लगानी है। और ये हमें डबल सिलाई लगानी है दोनों के ऊपर। तो फ्रेंड्स इस तरह हमें अपने दोनों तरफ के कंधों को जोड़ते हुए और ये हमें यहाँ पर हमें अभी बाजू नहीं लगानी क्योंकि इसमें बाजू नहीं लगानी है हमें। तो यहाँ पर हम जो रेब की पट्टी है वो लगाएंगे। तो वो हमें किस तरह से लगानी है, जो हमारी साइड की ये फिटिंग वाली सिलाई है ये हम बाद में देंगे। पहले हमें इसके ऊपर रेब की पट्टी लगानी है। तो रेब की पट्टी वैसे मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में डाला है किस तरह कटिंग करनी है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो हमें इस तरह से पीस रखना है अपना। ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है और इस तरह से तिरछी पट्टियाँ हमें इसके लिए कटिंग करनी है। तो इस तरह हमें अपनी जो बाजू की साइड है उधर भी इसी तरह की पट्टियाँ लगानी है और गले में भी हमें इसी तरह रेब की पट्टियों को लगाना है। तो इस तरह हम इनको कटिंग कर लेंगे क्योंकि दोनों तरफ की हमें इसी तरह की पट्टियाँ चाहिए, तो ये हमें कई पट्टियों की ज़रूरत पड़ेगी। और इन पर हम बाद में सिलाई लगाकर अपनी बाजू पर और गले पर लगाएंगे। फ्रेंड्स इनको हमें इस तरीके से करके जोड़ना है, एक
साइड कोना हमारा इस साइड होगा और दूसरा हमारा इस साइड होगा। तो इनको हमें इस तरह सभी पट्टियों को जोड़ना है, इस तरह से हमें अपनी पट्टियों को जोड़ना है। ये हमें सभी इसी तरह से जोड़नी, ये हमारी उल्टी साइड हो गई इसकी, तो सभी हमें उसी तरह से जोड़नी है ताकि हमारी सबकी उल्टी साइड इधर हो। तो इसको हमें इस तरह से रख के जोड़ना है। तो ये सभी पट्टियों को हम जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी पट्टियों को हमने इस तरीके से जोड़ दिया है, ये देखिए। और अब हमें एक साइड से कोई सी भी अपनी साइड ले लेंगे और उसको ऊपर से इस तरह सीधा कटिंग कर देंगे और इस तरह से थोड़ा हम फोल्ड कर लेंगे, करके इसको इस तरह से बिल्कुल बराबर मोड़ लेंगे। और उसके बाद जो ये हमारा ब्लाउज का पीस है, इसको जो ये हमारी बाजू की साइड है, तो इसको हम लेंगे और यहाँ से कोने से हम, ये देखिए, ये हमारा इस साइड हमारा गला है और ये हमारी बाजू की साइड है। तो बाजू हमें नहीं लगानी, इसलिए हम इस पर रेप की पट्टी लगाएंगे। तो हमें यहाँ से नीचे से ही कॉर्नर से शुरू करते हुए अपनी रेप की पट्टी को इस तरह डबल करते हुए लगाना है। तो ये तीनों ही पीस हमारे बराबर चलने चाहिए और एक पैर की सिलाई हम इस पर देंगे। ये पट्टी हमने इसलिए बड़ी काटी है क्योंकि हमें गले पर भी और दोनों साइड बाजू की जगह पर इनको लगाना है, तो इसलिए हमने पट्टी को बड़ी काट लिया है। और इस तरह करते हुए हमें एक पैर की सिलाई देते हुए अपने पूरे ही साइड में हमें पट्टी को लगाना है। और जो ये हमारी कंधे की पट्टी है, ये हमारी एक ही साइड गले गला बनाएंगे ना, तो उस टाइम पर भी हमारी ये एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। और ये इस तरह से हमें अपनी पूरी पट्टी को यहाँ पर लाकर कटिंग कर देनी है आगे। और उसके बाद हमें सबसे पहले तो ये हमने पट्टी लगाई है, यहाँ पर हमें छोटी छोटी कट लगानी है, तो क्योंकि इसको हम जब पलट कर मोड़ते हैं तो उससे काफ़ी अच्छी सफाई आती है। तो इस तरह से पहले हम इसके ऊपर कट लगाएंगे जगह जगह पर थोड़े, और जहाँ पर गोलाई है वहाँ पर हमें कट जरूर देने चाहिए, उससे हमारे मोड़ने में आसानी रहती है और सफाई भी हो जाती है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, जो ये हमने रेप की पट्टी इस पर लगाई है उसको हम इस तरह से सीधा करके मोड़ेंगे, और जो ये हमारा कपड़ा है ये हम ऊपर की साइड रखेंगे और यहाँ पर हम दबी हुई सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और इसी तरह से हम अपनी दूसरी साइड भी और गले पर भी इसी तरह हमें अपनी पट्टी को लगाना है। तो फ्रेंड्स, जो हमें गले पर पट्टी लगानी है उसको भी हमें इस तरह से थोड़ा फोल्ड करना है इस कपड़े को, ये देखिए, और इसको इस तरह, ताकि हमारे धागे वगैरह बाहर ना निकले, क्योंकि यहाँ पर हमारे हुक वगैरह लगेंगे इस पट्टी पर, तो हमें इस पट्टी को मोड़ कर लगाना है क्योंकि यहाँ पर हमारे फिर धागे वगैरह दिखने लगेंगे। और पट्टी हमें उसी तरीके से लगानी है जैसे हमने बाजू की साइड लगाई है, तो ये भी हमें उसी तरह से लगानी है, उसी तरह कट लगाकर इसको फोल्ड करना है और एक पैर की सिलाई हमें इसको लगानी है। जब हम लास्ट में अपने गले पर आएंगे तो यहाँ पर हमें उसी तरह से फोल्ड करके इस पट्टी को मोड़ना है, ऐसे ही इसको लेंगे और अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे ताकि हमारे धागे वगैरह इसके बाहर ना आए, और इस पट्टी को पूरा हम लगा देंगे इसी तरह से जैसे हमने शुरू करते हुए किया था, ऐसे ही हमें इसको लगाना है। तो इस तरह से हमें इसको फोल्ड करके लगाना है और उसके बाद यहाँ पर कट करके हमें यहाँ पर सिलाई देनी है। और फ्रेंड्स, जो ये हमारी टिच बटन की पट्टी, ये भी हम इसके साथ ही लगा देंगे ताकि तुरपाई करने के बाद ये पट्टी हमारी इस तरह फोल्ड हो जाएगी और सफाई भी आएगी, जो हमें इसी के साथ यहाँ पर अटैच करनी है।
और ये पट्टी कैसे बनानी है मैंने पहले आपको अपनी वीडियो में डाला हुआ है। तो इस तरह से हमें इसको यहाँ पर सिलाई लगा कर पक्का कर देना है। तो दोनों तरफ से इनको इसी तरह से लगानी है इस साइड भी हमें, और ये दोनों जो ये हमारे तीरे का कपड़ा ये एक ही साइड होना चाहिए, चाहे इस साइड करें या हम इस साइड करें। और जो ये हमने इधर फोल्ड किया हुआ है इसको हमें नीचे की साइड इस तरह रखना है, और इस पर भी हमें इसी तरह सिलाई लगानी है और पक्का कर देना है। तब फ्रेंड्स ये हमें अपनी सभी गले की पट्टियाँ वगैरह पूरी करके ये हमने साइड में ये पट्टी पूरी कर दी है, और अब हमें इसकी फिटिंग जो है देनी है। तो इसको हम इस तरह से अपनी पट्टी को तुरपाई करने से पहले इस तरह फोल्ड कर देंगे, और यहाँ पर जो हमारी ये फिटिंग का निशान हमने लगाया हुआ है उसी के ऊपर हम अपनी फिटिंग दे देंगे। इस तरह से ये हमारी फिटिंग का निशान है, और इस पर हम डबल सिलाई एक आगे और एक थोड़ी पीछे की तरफ लगा देंगे। अपनी दोनों साइड हम अपनी सिलाई को पूरा कर देंगे। एक हमने बिल्कुल फिटिंग की जो निशान है उसके ऊपर लगाया, और थोड़ा दूसरी हम सिलाई थोड़ी से आगे की तरफ। इस तरह से हम ऐसे ही हम अपनी दूसरी साइड की फिटिंग की सिलाई को भी पूरा कर देंगे। दोनों पट्टियों को हम उसी तरीके से फोल्ड करेंगे, और फिर अपनी दोनों पीस बिल्कुल बराबर मिलाते हुए और इसको फिटिंग की सिलाई को पूरा कर देंगे। ये दोनों साइड की हमारी सिलाई पूरी हो चुकी है। अब हम जितनी इसकी लंबाई रखनी है उतनी लंबाई रखकर हम नीचे से इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हमें इसको 13.5 इंच का बनाना है लंबाई में, तो ये हमने निशान लगा लिए हैं। तो यहाँ तक हमें इनको दोनों जो ये साइड है हमारी यहाँ तक फोल्ड होनी है, तो ये हमारी लंबाई पूरी हो जाएगी। तो इसके ऊपर हमें तुरपाई करनी है बाद में, तो इसके ऊपर हम मोटी बखिया कर देंगे। तो इस निशान को हम इस तरह से फोल्ड करते हुए नीचे की साइड ये हमारी लंबाई पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें बीचों बीच एक मोटी बखिया मार देंगे और बाद में इस पर तुरपाई कर देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें इस साइड भी जहाँ हमने निशान लगाया था वहीं तक इसको फोल्ड करना है और सिलाई को लगा देना है। ये देखिए ये हमारी पूरी सिलाई लग चुकी है। तो फ्रेंड्स ये हमारा ब्लाउज पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इस पर बस हमारी ये तुरपाई वगैरह रह गई है। तो तुरपाई हमें इस तरह फोल्ड करके अंदर की तरफ करनी है, और गले की इस तरह से तुरपाई हमें करनी है, और इस पर जो हमारी पट्टी है इसके ऊपर हम हुक लगाएंगे यहाँ पर ऊपर, और इसके ऊपर हमारी आई बनेंगी। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।